महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित किसानों को राज्य सरकार की ओर से नुकसान मुआवजा कम देने की घोषणा को लेकर भाजपा की ओर से किसानों की काली दिवाली होने की वजह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पूर्व स्पीकर बागड़े जी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बागड़े जी ने सरकार की ओर से किसानों को कम मुआवजा देने का निषेध किया। गंगापुर विधानसभा के विधायक प्रशांत बम जी ने मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को सरकार का काम ठीक से चलाना नहीं आता क्योंकि बम जी द्वारा किसानों से जुड़ी समस्या से तकरीबन 12 पत्र व्यवहार मुख्यमंत्री जी से किए किंतु एक भी समस्या का हल नहीं हुआ और न ही इसका जवाब मिला। और तो और मुख्यमंत्री जी तो 288 विधायक को समस्या के बारे में तो मिलना भी टालते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार सरकार का रिमोट कंट्रोल चलाने वाले शरद पवार जी को हर हफ्ते 2 बार मिलने का समय देते हैं तो शरद पवार जी ने भी मुख्यमंत्री जी को सरकार किस प्रकार चलाई जाती है इसकी सीख देनी चाहिए ऐसा सुझाव दिया। और उनकी सभी फसल जो है वो 20-25% भी उसके हाथ में नहीं आ रही और हम उस जनता को बोल रहे लोगों को बोल रहे तो राज्य करता दिन को कुछ कहेंगे या राजनीति बोलेंगे तो मैं उसका निषेध करता हूँ। राज्य चलाने वाले हम 228 से 288 नुमाइंदे हैं, हमारे मार्फत पूरा स्टेट चलता है और सीएम साहब के बगैर उनसे मुलाकात हुए बगैर बहुत सारी बातों का हल नहीं निकलता। लेकिन बिल्कुल मतलब उनको मिलना ही नहीं है, नकारना है, कैसे तो भी डील चल रहे हैं इतना ही वो देख रहे हैं, ये बहुत भयंकर बात है। पत्र व्यवहार करते हैं, सिर्फ पत्र मिला इतना ही आंसर आता है, पत्र का उत्तर भी नहीं आता, हमारा पत्र गलत है सही है या उस पर कुछ कार्रवाई हुई है ऐसा एक भी जवाब हमें आज तक नहीं मिला। मैं माननीय शरद पवार साहब से इस आपके माध्यम से ये विनती करूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सारी सिस्टम समझानी चाहिए एक बार कि राज्य कैसा चलाया जाता है, राज्य चलाते वक्त में हम कितने गंभीर होना चाहिए, हर बात का मसला हल करते वक्त में कैसे डिसीजन लेना चाहिए, मिलने की भी जरूरत कब नहीं होती जब वो काम बराबर करें, एक तरफ काम भी बराबर नहीं कर रहा है और हमारी भी नहीं सुन रहा। जानता हूँ सिल्लोड सुरगा में भी बीमा नहीं मिला, गंगापुर में भी बीमा नहीं मिला, हुआ कि पूरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिला और एक पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला, मतलब बैठकर फुर्ताई से कुछ डायरेक्ट मतदार संघ चुने गए और पूरे के पूरे मतदार संघ कुछ कुछ उनको नजरअंदाज किया गया। आज एनसीपी ने उनके एरिया में मराठवाड़ा का पैसा खींच कर लेकर गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुंबई के बाद में इतना प्रेम है मराठवाड़े पे, फिर भी सारी चीजें फस्त नष्ट हो रही है, पोखरा बंद, वाटर ग्रिड बंद, पीक बीमा नहीं, फसल योजना। R9 भारत के लिए अशोक लाड़ की रिपोर्ट औरंगाबाद।